नमस्कार दोस्तों, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो उच्च ग्रह है वह हमेशा अच्छा फल क्यों नहीं देता। ये तो आप सब जानते हैं कि सभी पुस्तकों में यही लिखा है, ज्योतिष में हर जगह यही पढ़ाया जाता है कि जो उच्च का ग्रह है वो हमेशा ही अच्छा फल देता है। लेकिन ये होता नहीं है, एक कमी होता है कि उच्च का ग्रह अच्छा फल देता है। हम जब पढ़ते थे तो कई बार हमने देखा है, इस चीज़ पर रिसर्च करते थे कि भी किसी के चार ग्रह उच्च के हैं तो बुरे फल आ रहे हैं, दो ग्रह उच्च के हैं तो बुरे फल आ रहे हैं, तीन ग्रह उच्च के हैं और सपाटी ले आते थे जन्म पत्र जिसमें अच्छे फल नहीं आते। तो ये देखने का प्रयत्न करते हैं कि उच्च ग्रह जो है वह अच्छे फल क्यों नहीं देता, कभी दे देता है कभी नहीं देता। अब कब नहीं देता अब ये मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये आपको समझा देता हूं। अब समझ लेते हैं, ये जन्म पत्र है मिथुन लगन की है, गुरु जो है उच्च का। ठीक, अब गुरु या तो गुरु के ही नक्षत्र में होगा या शनि के नक्षत्र में होगा या बुध के नक्षत्र में होगा। कर्क राशि में तीन ही नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, पुष्या और अश्लेषा। अब समझते हैं इस जन्म पत्री के अंदर गुरु जो है पुष्य नक्षत्र में है तो शनि के नक्षत्र में हो गया। अब गुरु क्या फल देगा, सिंपल है, दूसरे भाव में बैठा है और सातवें और दसवें का स्वामी है तो दो सात दस भाव के फल देगा। अब वो शनि के नक्षत्र में तो गुरु शनि के नक्षत्र के फल ही ज्यादा ताकत से देगा, तो शनि आठवा नौवा और बारह, बारह भाव में बैठा है तो शनि आठ नौ और बारह भाव के फल देगा। अब आपके सामने जो है चीज बिल्कुल क्लियर है कि ये जो गुरु है अच्छे फल कभी नहीं दे सकता, क्योंकि ये शनि के आठवें बारहवें भाव के फल देगा। आठ बारह फल भाव तो खराब ही होते हैं, तो ये दुर्भाग्य, समस्याएं, रुकावटें इत्यादि, बारह जेल, एक्सपेंडिचर, नुकसान, तो इन्हीं का है। तो ये जो है गुरु के अच्छे फल नहीं होंगे, तो गुरु बेशक जो है दूसरे भाव में बैठा है, रिजल्ट उसके नेगेटिव होंगे। अब इसमें विद्वानों के मत आ जाएंगे, बड़े सारे विद्वान बैठे हो जाएंगे, क्या मत, एक मत और आ जाएगा, कारक भावनाश। ठीक है ना, अब ये नहीं समझ में आएगा कारक भावनाश करो या मैं जो बोल रहा हूँ उच्च भाग को उसको, अब ये नहीं समझ में आएगी बात किसी के। लेकिन अब इसको कारक भावनाश कह देंगे, लेकिन इस समय पे क्या उच्च भंग हो गया, तो इसमें दोष क्यों लग गया, क्योंकि रिजल्ट नेगेटिव है, उच्च भंग दोष हो गया। अब इस तरीके से अब कब गुरु जो है उच्च का अच्छे फल देगा ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे गुरु समझ लीजिए अश्लेषा नक्षत्र में, तो बुध के नक्षत्र में होगा, और समझ लो बुध जो है पहला चौथा और ये बुध जो है ये ग्यारह भाव में बैठा है, तो गुरु जो है एक चार ग्यारह के भाव के फल देगा। तो अब गुरु के क्या फल हो गए, दो सात दस और ग्यारह। तो अभी क्या हो गया, व्यवहार के लिए अच्छा है, दो सात ग्यारह, दो सात दस ग्यारह, आप समझते हैं कि ये बिजनेस के लिए, काम धंधे के लिए बहुत अच्छे भाव है, चार ग्यारह प्रॉपर्टी व्हीकल के लिए बहुत अच्छे है, तो इस समय गुरु के अच्छे फल हो। तो कभी वो उच्च के ग्रह अच्छे फल देंगे, कभी उच्च के बुरे फल देंगे। तो ये पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से नक्षत्र में है और वो कौन कौन से भावों के फल दे रहे हैं। तो इसी तरीके से देखना, जहां पर रिजल्ट नेगेटिव आने हैं तो वहां नेगेटिव आने, जहां पॉजिटिव आने हैं पॉजिटिव आने, ये तो हमारे हाथ में है नहीं, उच्च से कोई मतलब नहीं है। मतलब तो सिर्फ ये है कि ग्रह कौन से भावों का स्वामी है और कौन से घर में बैठा है, और उसका नक्षत्र कौन से भाव का स्वामी है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, इससे अधिक कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जब रिजल्ट उच्च का खराब हो गया उच्च भाव दोष हो गया, सिंपल। आशा आपको ये चीज आज क्लियर हुई होगी दोस्तों कि उच्च के ग्रह अच्छे फल कभी कभी क्यों नहीं देते। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरा सब्सक्राइब करें ये चैनल उमंग करेजा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।